نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعين وسامعات ذی وقار ہم قرآن کریم کے حقوق پڑھ رہے تھے سن رہے تھے کہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہے اس کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں तो पांच हुकूक आपके सामने रखे थे। सबसे पहला हक कुरान करीम का इस पर ईमान लाना, दूसरा हक इसकी तजवीद के साथ सही तजवीद के साथ सही तलफ़ुल के साथ इसकी तलावत करना, तीसरा हक कुरान करीम को समझना, चौथा हक कुरान करीम पर अमल करना और पांचवा हक के इस कुरान करीम की दावत को आगे पहुंचाना कि कुरान करीम आपने सीख लिया है, समझ लिया है, अमल कर लिया है, अब जिसने कुरान पाक पढ़ा है उस पर लाजिम है, उसको चाहिए कि कुरान करीम अब दूसरों तक पहुंचाए। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो तुम मेरी तरफ से अगरचे एक आयत हो, मतलब कि जो तुमने दीन इस्लाम का जो हिस्सा सीख लिया है या जितना तुमने सीख लिया है उसको अपने पास महफूज ना रखो बल्कि उसको दूसरों तक पहुंचा दो। ये हमारे ज़िम्मे है, इसलिए सिर्फ ये यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत का लफ्ज़ बोला है वलौ आया, पहुंचा दो तुम, बल्लिगु अन्नी, पहुंचा दो तुम मेरी तरफ से, वलौ आया अगरचे एक आयत हो। तो यहाँ मरा सिर्फ आयत नहीं, मतलब जो मसला, जो हदीस आपको मालूम है और वो सही है, आपको मुस्तनद तरीके से पहुंची है, तो आपको चाहिए कि उसको दूसरों तक पहुंचाएं। क्योंकि बसा औकात यूँ होता है कि बहुत सी चीज़ें हमें मालूम होती हैं लेकिन उस पर हम अमल नहीं कर पाते, हालात की वजह से, सुस्ती की वजह से, लापरवाही की वजह से। तो इस और अमूमन ऐसा होता है कि वो बात अगर दूसरों तक पहुंचती है तो वो उस पर बहुत अच्छे तरीके से अमल कर पाते हैं, उनके लिए अमल करना आसान होता है या उन पर अमल करना उनके लिए जो है वो उनके नसीब में लिखा होता है। इसलिए हम दूसरों तक पहुंचाएंगे तो अब मैंने एक आयत सीखी उसको दूसरों तक पहुंचा दी, एक हदीस सीखी उसको दूसरों तक पहुंचा दी, एक मसला सीखा उसको दूसरों तक पहुंचा दिया, तो होगा क्या? अब उसके उस वो जो बंदा जो सीखेगा मुझसे, जो मुझसे पढ़ेगा, तो जो वो मुझसे सीखेगा तो उसके सीखने की वजह से मुझे सवाब मिलेगा और जब वो उस पर अमल करेगा तो इस मुझे भी उसके अमल करने का सवाब मिलेगा। जैसे कि मशहूर मकूला ना हदीस शरीफ है कि अद्दालु अलल खैरी कफाइलिही, के दलालत करने वाला अद्दालु अलल खैरी, खैर की चीज़ पर, अच्छे काम पर दलालत करने वाला, मतलब जो है राह दिखाने वाला, वो ऐसा ही है जैसे कि वो खुद करने वाला है। ठीक है ना जी। तो अब मैंने एक बात दूसरों तक पहुंचा दी तो अब जो मैंने सीखा है उस पर तो मुझे अजर मिलेगा, लेकिन ये चीज मैंने दूसरों तक पहुंचाई है तो इसका भी सवाब मिलेगा और दूसरा जब इस पर अमल करेगा तो उसके अमल करने की वजह से मुझे भी सवाब मिलेगा। इसलिए हमें जो है वो जो चीज हमने सीखी हुई है इसको दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। आगे वाली चीज, कुरान करीम सीखने का अजर क्या मिलता है? ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि जो मुसलमान बंदा कुरान करीम की एक आयत सीखता है तो उसको 100 रकात नफल पढ़ने से ज्यादा अजर मिलता है। मिसाल के तौर पर यू समझे कि एक बंदा वो है जिसने 100 रकात नफल पढ़े, ठीक है ना जी, और एक बंदा वो है जिसने कुरान करीम की एक आयत सही तजवीद के साथ सीख ली। तो अब जिस बंदे ने एक आयत कुरान करीम की सही तजवीद के साथ सीखी है इसका अजर वो 100 रकात नफल पढ़ने से ज्यादा है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। ठीक है ना जी। तो आप देखें कि एक आयत सीखने में कितना वक्त लगता है और 100 रकात नफल पढ़ने में कितना जो है वो वक्त लगता है। ये 100 रकात नहीं बल्कि 100 रकात से अफजल है, अफजल कितना ही अल्लाह जानते हैं। इसलिए कुरान करीम को हमें सीखना चाहिए और इसका अजर कितना है आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर छलांग भी लगाएं तो एक आयत 10 मिनट में इंसान सीख लेता है, मिसाल के तौर पर, कम से कम मैं कह रहा हूं। और 100 रकात पढ़ने में कम अज कम
अगर ज्यादा भी टाइम लगाएं तो 2 मिनट लगा लें, हालांकि 2 मिनट में बड़ी मुश्किल से पढ़े जाते हैं, तो 2 मिनट भी लगा लें तो 200 मिनट, 1 60 मिनट में 1 घंटा, ठीक है ना, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, फिर 2 घंटे 120 मिनट, 3 घंटे 180 मिनट और 20 मिनट ऊपर, मतलब 3 घंटे और 20 मिनट लगते हैं 100 रकात नफल पढ़ने में, और आयत सीखने में कितना वक्त लगता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान करीम को सीखें और इस पर हम जो है अल्लाह तबारक व तआला से अजर हासिल करें। तो इसलिए बात क्या हो रही थी कि कुरान करीम को दूसरों तक पहुंचाना, इसका सवाब क्या है, इसका सवाब हमें बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना जी। क्या सवाब मिलेगा कि दूसरा पढ़ेगा मुझे सवाब मिलेगा, ठीक है। कुरान करीम का पांचवा हक यह है कि कुरान करीम के अल्फाज और उसके अहकामात दूसरों तक पहुंचाएं, यानी कुरान करीम सही पढ़ना सिखाएं और लोगों को इस पर अमल करने की दावत दें, ठीक है। कुरान करीम सही पढ़ना सिखाएं भी, जैसे हाफिज कुरान ने, कारी कुरान ने, आलिम दीन ने, मुफ्ती आने किराम ने पढ़ा हुआ है, उनको चाहे कि जैसा उन्होंने अच्छा अच्छा पढ़ा है, तरवीत के साथ पढ़ा है, तो आगे बच्चों को, अपने घर वालों को भी वैसा ही पढ़ाएं और साथ साथ उनको अमल करने की दावत दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तर्जुमा, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है, अच्छा बेहतर बेहतरीन शख्स, अफजल शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और इसको सिखाए। यही वजह है कि हजरत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कुरान करीम सीखते और नए मुसलमान होने वाले सहाबाए कराम को कुरान करीम सिखाते। तो सहाबाए कराम क्या, सहाबाए कराम सीखते भी थे और जो उन्होंने सीख लिया होता वो सहाबाए कराम को आगे सिखाते थे। मिसाल के तौर पर हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना मुनवरा भेजना, मक्का मुकरमा में अंसार के दोनों कबीलों औस और खजरज, ठीक है, ये औस और खजरज मदीना मुनवरा के दो कबाइल के नाम हैं, के सरदारों ने मुसलमान होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मदीना मुनवरा में कुरान और दीन की तालीम के लिए कोई मुअल्लिम भेजा जाए। जब ये सहाबे कराम औस और खजरज वाले ये बैते आकबा के मौका पर, तीसरी जो बैत हुई थी उसके मौका पर, या दूसरी जब जो बैत हुई थी, चूंकि दो बैत हुई, एक बैत आकबा उला हुई है और एक बैत हुई बैत आकबा सानिया, तो जो दूसरी बैत उसके अंदर 12 अफराद थे और जो तीसरी बैत उसके अंदर जो है वो तकरीबन 72 अफराद थे। तो इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, ये वाक्या जो है ये मदीना में हिजरत, मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले का वाक्या है, जब ये लोग ये हज करने के लिए मदीना से मक्का आए हुए थे, तो तब इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जब इस्लाम कबूल कर लिया, तब इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अल्लाह के नबी अब आप कुरान करीम और दीन की तालीम के लिए कोई मुअल्लिम, कोई उस्ताद भेजा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला को मदीना मुनवरा रवाना करते हुए ये इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, तर्जमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला को हुक्म दिया कि इन लोगों को कुरान करीम पढ़ाएं और इस्लाम की तालीम दें और इनमें दीन की बसीरत और सही समझ पैदा करें। कितनी चीजें, उस्ताद, ये उस्ताद, ये यानी बड़ा उस्ताद अपने शागिर्द से कह रहा है जो आगे उस्ताद बनने जा रहा है। पहली चीज क्या है, कुरान करीम पढ़ाएं और इस्लाम की तालीम दें, मतलब जो इस्लाम हमें जो है वो अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाम मजहब दिया है, दीन दिया है, इसकी आगे तालीम दें कि इस्लाम हमसे क्या चाहता है और इनमें दीन की बसीरत और सही समझ पैदा करें कि दीन जो है जब इंसान कबूल कर ले तो उसके तकाजा जो है क्या तकाजे होते हैं इंसान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, और दीन की सही समझ इनके अंदर पैदा करें, ये उस्ताद के जिम्मे है। चनाचे हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला मदीना मुनव्वरा में मुकरी और कारी यानी पढ़ाने वाले के नाम से मशहूर हो गए। इनका क्याम यानी कि ये जो रहते थे ये हजरत असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला के घर में था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला को उस्ताद बनाकर मक्का से मदीना मुनव्वरा रवाना किया। तो सबसे पहली चीज क्या है, कुरान करीम सिखाने के लिए।
मुसअब बिन उमैर और हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम रजी अल्लाह तआला का मदीना मुनव्वरा में तालीम देना। बुखारी शरीफ में है हमारे यहाँ मदीना में सबसे पहले, ये मदीना वाले कह रहे हैं हजरत, अंसारे साहब जो अंसारे मदीना है, सहाबा कराम हैं जो मदीना के रहने वाले, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ मदीना में सबसे पहले मुसअब बिन उमैर और अब्दुल्लाह बिन उम्मे मकतूम रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आए और ये हजार लोगों को कुरान करीम पढ़ाते थे। तो इसलिए कुरान करीम पढ़ाना ये बहुत अफजल इबादत है। जैसे आपने पीछे हदीस पढ़ी है कि हदीस शरीफ क्या है कि जो कुरान करीम सीखे और सिखाए वो बहुत बेहतर शख्स है। हदीस मुबारक पर अमल करने का एहतमाम, जो पीछे हमने हदीस पढ़ी उस पर अमल करने का एहतमाम क्या है, अबू अब्दुर्रहमान सुलमी ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की खिलाफत के आखिरी याम से लेकर हज्जाज बिन यूसुफ जो बहुत जालिम एक गवर्नर गुजरा है बनु उमैया का, के शुरू दौर तक कुरान करीम पढ़ाया है और यूं फरमाते थे, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की खिलाफत के आखिरी अय्याम से लेकर हज्जाज बिन यूसुफ के शुरू दौर तक कुरान करीम पढ़ाया और यूं फरमाते थे, मुझे इस हदीस खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा ने जामे मस्जिद कूफा के इस मकाम पर कुरान करीम की तालीम के लिए बिठा दिया है। मतलब इस हदीस की वजह से मैं कुरान करीम पढ़ा रहा हूँ। तो आप अंदाजा करें कि इनको कितना शौक था हदीस पर अमल करने का। ये देखें खिलाफत उस्मानी के आखिर से हज्जाज के शुरू तक 38 साल का अरसा है, मतलब 38 दो साल कम 40 साल इस बुजुर्ग ने कुरान करीम की तालीम की जो है वो आम की है। तो इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों बहुत ही अदब से गुजारिश है कि जो हमने कुरान करीम पढ़ा है पहले तो कोशिश करें कि जो अगर हमने नहीं पढ़ा सही तरवीत के साथ उसको सीखें और उसको जो है वो अच्छी तरह उसको सीखें तरवीत के साथ और उस पर अमल करने की कोशिश करें और फिर अपने पास महफूज ना रखें बल्कि इसको दूसरों तक पहुँचाने की फिक्र करें, कोशिश करें। ये तो चीज़ें थी कुरान करीम के हकूक। असल में ये जो चीज़ हमने शुरू की है, ये जो हमने कोर्स शुरू किया है, असल मकसद हमने नूरानी कायदा वो शुरू करना है बोर्ड इसमें यूट्यूब के ऊपर हमने ये कोर्स शुरू करना है नूरानी कायदा सही तजवीद के साथ कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ाया जाए। तो वो हम सब कुछ इंशाल्लाह सिखाएंगे आपको। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रहमत से कुरान करीम की तालीम को आम करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमें सही तजवीद के साथ इसकी तलावत करने की, इसको सीखने की, इस पर अमल करने की, इसको दूसरों तक पहुँचाने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।